हेलो गाइस, वापस आ गए हैं हम अपने टॉपिक पे रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम्स के विषय में बात करेंगे हम। आज के जो टॉपिक है हमारा कंपोजिशन, चॉइस ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस हालांकि हम जानते हैं यूनिट ऑपरेशन, यूनिट प्रोसेस में है, ये बाद में बात करते हैं, पहले कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप और मैं, हम जानते हैं कि कंपोजिशन मोस्टली हम कार्बन की देखते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कितने हुए हैं हमारे इसमें, तो पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट गैस, ठीक है, ये हो गया आपका नेप्था, और फिर क्या आता है केरोसिन, फिर क्या आता है डीजल, फिर हैवी ऑयल। ठीक है, हालांकि ये भी ऑयली है, ठीक है, इतना ज्यादा नोट मत करना स्पेलिंग वगैरह में। नेक्स्ट में रेसिड्यू भी है, और आपका बाय प्रोडक्ट जैसे डिटर्जेंट और अमोनिया भी आ जाते हैं। तो मोस्टली ये है, इसमें हमारी जो कंपोजिशन होती है कार्बन की, C1 to C5। नेफ्ता में कितनी होती है, C5 to C11 कार्बन की। इसमें कितनी होगी, इसमें होती है C11 to C16, राइट, नहीं ये 12 होती है, 11 सॉरी, ठीक है, राइट। फिर आ गई आपकी C15 to C18, और यहाँ पे ये आ गई आपकी C17 to C40। राइटिंग वाइटिंग को ध्यान मत देना ज्यादा, ये तो कंपोजिशन की बात हो गई, हालांकि आपको भी याद ही होगा। चलो आगे, अब आ जाती है चॉइस ऑफ पेट्रोलियम। भाई इंडिया में इतनी सारी रिफाइनरीज हैं, तो पेट्रोलियम की चॉइस तो बनती है। चॉइस कैसे, कि भाई उसकी कंपोजिशन पे, कि उसमें साल्ट है, सल्फर है जो हमें नहीं चाहिए। तो क्या होता है, मोस्टली इंडस्ट्री जो होती हैं अच्छा ही पेट्रोलियम रिफाइन करके हमें दे देती हैं, इससे उन्हें ज्यादा वक्त ना लगे। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे पेट्रोलियम लेती हैं जिसमें साल्ट और सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम वेनेजुएला वेनेजुएला क्रूड कहते हैं। शायद ये मिडिल ईस्ट की कुछ रिफाइनरीज हैं जो इस क्रूड को रिफाइन करके फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेज देती हैं, या रिफाइन करके हमें प्रोडक्ट देती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिफाइनरी प्रोसेस की। तो भाई रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री है जो केमिकल के मामले, थोड़ा शायद आवाज नहीं आ रही, मैं नीचे कर लेता हूँ। रिफाइनरी ऐसी प्रोसेस, मतलब रिफाइनरी एक ऐसी इंडस्ट्री है केमिकल्स की, जिसमें मोस्टली सारे ही हमारे जितने सब्जेक्ट हमने पढ़े होते हैं तो सारे ही इस्तेमाल हो जाते हैं, या मोस्टली टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं वो रिकवर हो जाते हैं। तो केमिकल में वैसे हमारे यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये दोनों ही बखूबी इस्तेमाल होती हैं इसमें। डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, एड्जॉर्प्शन, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फ्लूड मैकेनिक्स, सभी इसमें आ जाता है। यूनिट प्रोसेस में क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, हाइड्रोजनेशन, सल्फर रिमूवल या पॉलीमराइजेशन, ये ETC होते ही हैं इसमें। तो मोस्टली जैसे डिस्टिलेशन हमें पता है, डिस्टिलेशन में क्या है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम इसमें यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। और जो हमारे सिलेबस में, डिप्लोमा वालों में सिलेबस में मोस्टली ये होता है, जो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन और वैक्यूम, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा आगे, वो देख लेना आप। और बाकी आपका एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, ये आप जानते ही हैं। क्रैकिंग, क्रैकिंग, हाँ क्रैकिंग के विषय में बात कर लेते हैं। क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, भाई देखिए हमारा जो पेट्रोलियम का मोस्ट, पेट्रोलियम में जो प्रोडक्ट मेन है जो हमारे यूज होता है पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल का कंजप्शन जैसे हम निकालो जो पेट्रोलियम, वो उसमें समथिंग 22-25% ही हमें मिल पाता है, पर ये हमारे जो जरूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। तो हम अदर्स प्रोडक्ट से जो हमें प्राप्त होते हैं उसे तोड़ के, क्रैकिंग का मतलब उसे तोड़ के, मरोड़ के, उसमें से हम अपने लायक की चीज निकाल लेते हैं, यही हमारा काम है, तो वो क्रैकिंग कहलाती है। मतलब हाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स को लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना। क्रैकिंग 3 प्रकार की होती है, देखो यार ये जो सब आपका ओरल ओरल बता रहा हूं, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करो, पढ़ो, ठीक है, जो डाउट ना हो वो बता दो, वो क्लियर हो जाएंगे। पूरा ही इस पे कराऊंगा तो वक्त आपको लगेगा, एग्जाम नियर है आपके।
क्रैकिंग, हाँ तीन प्रकार की होती है, 1, 2 और 3। पहली कैटालिटिक, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान मत देना, गलत भी हो सकती है। सेकंड है थर्मल, थर्मल एनर्जी के कारण जो हो जाती है, और थर्ड है स्टीम। ठीक है, तो ये इन तीनों से आपकी क्रैकिंग हो जाती है, तीन टाइप की होती है। बाकी डिटेल इसमें पढ़ें, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लें। रिफॉर्मिंग, हाँ रिफॉर्मिंग भी एक अच्छा टॉपिक, रिफॉर्मिंग के विषय में बात हो रही थी। रिफॉर्मिंग में क्या होता है, हमें रिफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, रिफॉर्मिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे हमने पेट्रोल तो ले लिया, गाड़ी में डाला, अब वो घटपट 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 खिचपिच 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 की आवाज जो आती है पेट्रोल के कारण, वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्योर होता है वो, ठीक है, उसकी रिफॉर्मिंग नहीं होती है। ऑक्टेन नंबर जो होते हैं हमारे, ऑक्टेन नंबर की कमी होती है। ठीक है, जितने ज्यादा ऑक्टेन नंबर होंगे उतना ही स्मूथ बर्निंग होगा, स्मूथ बर्निंग नहीं होती है तो कंबशन में उसमें नॉकिंग होती है। उस आवाज से बचने के लिए हम तो इंडस्ट्री क्या यूज करती थी, लेड टेट्राएथाइल। ठीक है, उससे क्या हो रहा था, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चैन को ब्रांच चैन में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस मतलब ब्रांच चैन में करने का मतलब यह है कि उसके ऑक्टेन नंबर बढ़ा देना, इतना ही ध्यान रखें आप, ऑक्टेन नंबर जो है उसके बढ़ा दिए जाएंगे। जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ा हुआ होगा उतना ही हमारी स्मूथ बर्निंग होगी और वही हमारी रिफॉर्मिंग कहलाती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना कमेंट से या डायरेक्टली कॉल कर लेना।